तो भाई लोग कैसे हो सब लोग यार। आई होप यार तुम सभी ठीक होगे। और आज तुम लोग देख सकते हो ये वाला गेम प्ले थोड़ा अलग जगह से स्टार्ट हो रहा है। दरअसल ऐसा कभी होता नहीं है, पर मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ गाइस कि आखिर मैंने ये गेम कहाँ तक खेल लिया है और कितने घंटे खेला है। मैं तुम्हें कुछ डिटेल्स दिखाना चाहता हूँ, बस इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। सो गाइस तुम लोग देख सकते हो, मतलब हम लोग जिस वाले टाउन में थे, स्टेलोडो टाउन में, वहाँ पर मैंने 2 बैजेस को जीत लिया था ऑलरेडी। और पॉकेडेक्स में हमारे 82 पोकेमोन्स रजिस्टर हो चुके हैं। और तुम्हें इनके नीचे यहाँ पर एक टाइम दिख रहा होगा जिसमें 18 घंटे 44 मिनट मैंने ये गेम खेल लिया है, जिसका मतलब गाइस तुम्हें समझ में आ रहा है मैंने ये गेम कितने घंटे खेला है। अब तुम्हें लग रहा होगा यार इतना घंटे कैसे हो गया, हमने तो इतना चैनल में खेला भी नहीं, ये तो 7th या 8th एपिसोड है, आई थिंक 8th एपिसोड है ये, तो इतना ज्यादा कैसे हो गया। तो यार मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि भाई हमारे पोकेमोन्स की जो ट्रेनिंग थी वो बहुत ज्यादा मुश्किल थी। जो तुम्हें गाइस यहाँ पर लेवल 27 देख रहा है भाई, इसे ट्रेनिंग करवाने में ना बहुत ज्यादा टाइम लगा है। हर एक पोकेमोन को मैंने ट्रेन करवाया तो इसमें गाइस मुझे सच में बहुत ज्यादा टाइम लगा, 18 घंटे। गाइस सच में आ रही है, सब बहुत ज्यादा मुश्किल था। एनीवेज गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल। और गाइस आज एक बार फिर से गाइस हम लोग खेलने वाले हैं पोकेमोन ज़ेनोवर्स को। और मैं तुम्हें गाइस कुछ दिखाना चाहता हूँ, मेरे सभी पोकेमोन्स का लेवल बढ़ तो चुका है। और मैं आज ना यहाँ पर तुम्हें देख सकते हो, हमारे एक पोकेमोन को हम पहले ही इवॉल्व कर चुके हैं, मतलब ट्रेनिंग के दौरान ही भाई ये इवॉल्व हो गया कुंगफर में। और आज ना गाइस मैं एक और पोकेमोन तुम्हें बताने वाला हूँ जो कि इवॉल्व होगा, और उसके लिए गाइस मैंने आइस स्टोन को ढूंढना है। आज हम हिकलो को इवॉल्व करने वाले हैं। और यार आइस स्टोन को ढूंढना ना इस वाले गेम में भाई सबसे ज़्यादा मुश्किल था, लिटरली मेरी फट गई यार इसको ढूंढते ढूंढते। तो मैं खुद पता होगा जो लोग इस गेम को खेल रहे हैं कि हिकलो के लिए तुम्हें कितना ज़्यादा मुश्किल होता आइस स्टोन को ढूंढना। तो पर कोई बात नहीं यार, मैंने मेहनत करी, पूरे रात मैंने इंतज़ार किया और मेरे पास में फाइनली आइस स्टोन है, जिसका गाइस हम लोग फाइनली यूज़ करने वाले हैं इस एपिसोड की शुरुआत में। तो चलो यूज़ करते हैं और इवॉल्व करते हैं अपने हिकलो को। पर गाइस इससे पहले यार तुम लोग एक वीडियो में प्लीज़ लाइक कर दो जल्दी से यार, सच में बहुत सारा टाइम लगा इन सब चीज़ों को करवाने में। तो भाई एक लाइक तो बनता है यार, प्लीज़ गाइस एक लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना जो भी नया है। तो सो गाइस हम इवॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर भाई हिकलो इवॉल्व हो रहा है जिसका सभी को इंतजार था। ओके भाई कोई प्लीज कोई अच्छा था, प्लीज प्लीज कोई क्यूट सा पोकेमोन, प्लीज प्लीज कोई अच्छा सा, प्लीज ये क्यूटनेस बस कम ना हो उसकी, प्लीज प्लीज प्लीज। ओ माय गॉड, ओ भाई कूल, ओ भाई माइलोम्यूट, माइलोम्यूट में इवॉल्व हो गया ये, वाओ कूल। और गाइस मैं तुम्हें कुछ और दिखाना चाहता हूँ यार, मेरे पोकेमोन्स के मतलब ट्रेनिंग के वक्त में जो मैंने पोकेमोन्स को हराया उनसे मुझे लीफ स्टोन और सन स्टोन भी मिला है और कुछ और चीज़ें मिली हैं, एक हमारे पास में ज़ेनोलिथ भी है। तो यार गाइस आज ना बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तुम लोग सोच भी नहीं सकते ये वाला एपिसोड उतना ज़्यादा कमाल का होने वाला है। तो आज हम इस टाउन से बाहर जाएंगे, सबसे पहले चलते हैं, लास्ट टाइम हम यहीं से आए थे। ये है स्ट्रिंग फॉरेस्ट गाइस, जहाँ का तुम लोग म्यूज़िक सुन सकते हो, कितना ज़्यादा क्रीपी म्यूज़िक है, अगर तुम्हें सुनाई दे रहा होगा तो बहुत ज़्यादा क्रीपी है ये पूरी जगह, बहुत ज़्यादा स्कैरी है। और अगर तुम लोग यहाँ पर ना किसी और चीज़ को लेने की कोशिश करोगे तो सभी चीज़ें जम चुकी हैं जिनको निकालना इम्पॉसिबल है। और ये रहा जहरीला पानी, जहाँ पर तुम्हारी हेल्थ कम हो रही है, टॉक्सिक है यहाँ पर, पूरा जहर है जिससे तुम्हारे पोकेमोन अपने आप जहर में हो जाएंगे। तो यहाँ पर चलते हैं भाई साइड में, रुको यार पहले ना रिपेल का यूज़ करते हैं वरना बहुत सारे पोकेमोन हमारे सामने आने वाले हैं। ओके भाई यहां से चलते हैं, ये रहा। ओ भाई ये कौन है, ओ मकड़ियां यहां, यहां पर रास्ता बंद की हुई मकड़ियां, ओ ये बर्फ नहीं है यार, आई थिंक ये इन्हीं मकड़ियों की वजह से इनका जाल वगैरह है, आई डोंट नो। ओ भाई गाइस तुम लोग यहां पर नीचे देख सकते हो यार, ये केव है डरावनी सी, यहां पर जाने का रास्ता, अरे बंद है, हमारे पास में कट नहीं है अभी ना तो बंद है। और एक बैंडिंग मशीन भी है यहाँ, कूल। ओ भाई ये क्या है, ओ माय गॉड, ओ भाई गाइस तुम यहां पर देख सकते हो यार, ओ भैया ये क्या है, ओ लिटरली यार ये क्या चीज है गाइस, ओ माय गॉड भाई यहां पर ट्रेनर्स कैद हैं, किसी किसने कैद किए उन्हें यार, बंधे हुए हैं वो सबके सब, जैसे किसी ने उन्हें बांध दिया हो डरावने से ट्री से। यार ये जंगल ना बहुत ज़्यादा डरावना है यार, रुक जाओ इन्हें छोड़वाते हैं, कुछ इनकी हेल्प करते हैं, चलो यार देखते हैं। ओ कोई है यहाँ पर, और ये मकड़ियों ने हमें घेर लिया,
ओह माय गॉड भाई, बड़ी मकड़ी गैलवेंटुला। ओ शिट, व्हाट द फन। ओ भैया ये तो डरावना पोकेमोन निकला यार। तुमने वो पोस्टर देखा, वो इमेज कितनी ज्यादा स्कैरी थी, फट गई मेरी लिटरली भाई। रुक जाओ इसे हराते हैं, पहले तो इसे पकड़ेंगे यार, इसे हराएंगे नहीं। ओ दो लाते पड़ी गैलवेंटुला को। भाई यार क्या गेम है यार, मतलब स्टोरी तुम देख रहे हो गाइस, इस गेम की स्टोरी भाई कमाल स्टोरी है, कमाल, मजा आ गया। ओके एक लाइफ खत्म हुई इसकी, एक और बार करते हैं। मैं इसे पकड़ने वाला हूँ यार, आई थिंक हमारे पास में अच्छी खासी जेनोवर्स की बॉल्स पड़ी हैं। 31 है जहाँ तक मैंने देखी थी लास्ट टाइम, मुझे याद है 31 जेनोवर्स की बॉल है, जीनो बॉल। चलो यार भाई ये तो पैरालाइज हो गया गैलवेंटुला, लेकिन मैं इसे फिंटेड नहीं करने वाला, पाउंड का यूज करेंगे। अब इसे पकड़ते हैं और इस खत्म मारा पोकेमोन। शॉकबर्ड, आई थिंक शॉकबर्ड को निकालना चाहिए। अब यहां पर जेनोवर्स की बॉल का यूज करेंगे, जीनो बॉल। मैं इसे जीनोवर्स की बॉल बार बार क्यों कहता हूं, ये एक एक्स पोकेमोन है अगर गाइस तुम्हें ना पता हो तो। ओ भैया एक बार में पकड़ में आ गया, ओ कूल। तो देखते हैं फ्रॉस्ट बाइट पोकेमोन, बग और आइस टाइप। इट फ्रीजेस द एयर अराउंड इट्स नेस्ट, देन इट ट्रैप्स प्रे इन अ थिक आइस वेब, स्लोली लीडिंग देम टू हाइपोथर्मिया। सेंड टू पीसी। चलो यार हमने बचा लिए सभी को, वाओ एक नया अचीवमेंट, आ स्पाइडर। थैंक यू फॉर सेविंग अस, वी केम हियर टू पिकनिक इन द वुड्स व्हेन सडनली द एयर स्टार्टेड टू गेट कोल्डर एंड कोल्डर एंड देन आई ब्लैक्ड आउट। दैट पोकेमोन आई ग्लैम्स्ड नॉट मच बिफोर फेंटिंग मस्ट हैव कॉच्ड अस, आई वंडर हाउ लॉन्ग वी हैव बीन हियर इफ यू डिडंट कम टू रेस्क्यू अस, सॉरी बट आई गॉट अ गेट बैक टू माई लिल ब्रदर नाउ, ही मस्ट हैव बीन वरीड अबाउट मी। If you ever in Stiletto Town, come and visit me. I should go to. In gratitude, I want you give the. कुछ हमें दिया. Lapsiberry. Lapaberry. TM07 Hail. भाई गाइस लेकिन ना बहुत ज्यादा स्कैरी हो गई थी यार वो स्टोरी, लिटरली भाई क्या स्टोरी थी, मजा आ गया। रुक जाओ कुछ हमें, आई थिंक ना हम मैप में देखते हैं एक बार। आई थिंक मैप यही रहा, स्टेलेटो टाउन है कहाँ पर, ये रहा स्टेलेटो टाउन। पर यार वो बंदा स्टेलेटो टाउन में होगा कहाँ पता नहीं। यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कुछ हमें मिल जाए, आई होप। रुक जाओ आई थिंक ना इस वाले साइड में जाना चाहिए, यहाँ पर रास्ता तो था। वो लोग जो बंद किए हुए थे ना, उसी साइड में दोबारा जाने वाले हैं। अरे चल पॉइजन लग जाई, अरे भाई पॉइजन लग जाएगा जल्दी चल। अरे यहाँ पर ट्रेनर भी है अब एक, रुक जाओ निकलते हैं आराम से भाई, आराम से निकल जा। ओके एक ट्रेनर है भाई, तो हमें इससे बैटल करनी होगी मुझे लग रहा है, ये मुझसे बैटल करने के लिए खड़ा, तो कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आ जा बेटा सट ले, जब से ये लोग भाई खड़े नहीं थे इन लोगों की फट रही थी कि अरे यहाँ पर एक मकड़ी है यार वो हमें पकड़ लेगी, इसलिए कोई नहीं था यहाँ पर। लेकिन अब जब यार हमने उसे हरा दिया है और इसे पकड़ लिया है, तो अब यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है, इसलिए सब लोग आ रहे हैं यहाँ। चलो यार इसे तो हरा दिया, एक ही पोकेमोन था इसके पास में, बग कैचर। यहाँ का म्यूजिक ना बहुत ज्यादा क्रीपी है, मुझे लग ही रहा था भाई कुछ ना कुछ डरावना तो हो गई, मुझे पहले से ही लगा था ये चीज, क्योंकि यार जब कोई क्रीपी म्यूजिक। ओ भाई ओ भाई ओ भाई भाई ओ रुको 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 रुको, मेरा पोकेमोन, ओ मेरे पोकेमोन फालतू। ओ ये कौन है, क्या देने वाला है। अरे हमें यहां पर पहुंचा दिया डायरेक्ट, कूल कूल, हम डायरेक्ट सिटी में आ गए, स्टेलेटो टाउन में। उस बंदे ने कहा था ना वो हमें स्टेलेटो टाउन में मिलेगा, पर भाई वो है कहां पर, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, ये है क्या,
नहीं है। वो है कहाँ पर वो बंदा? उसने कहा था वो मुझे यहीं कहीं मिलेगा। नो आई थिंक पीछे है क्या? ये थोड़ा ना है स्टेलर्टो टाउन, यही है स्टेलर्टो टाउन यहाँ पर। लेकिन वो बंदा मुझे दिख नहीं रहा यार। आई थिंक ये भी नहीं, ये तो वो बच्चा है छोटा सा। यहाँ पर कहीं भी नहीं है भाई वो बंदा। उसने मुझसे कहा था कि मुझे यहीं पर मिलेगा, लेकिन भाई ये है ही नहीं। मेरे से उसने यहीं कहा था यार, वो भाई यहीं मिलेगा, लेकिन कहीं भी नहीं है। चलो वो प्रैंक कर रहा था लगता है। वहां पर चलते हैं। चलो यार यहाँ पर देखने वाले हैं सबसे पहले। ये कुछ रखा हुआ है, ये सारे जो थे ना पहले फ्रीज थे, लेकिन अब फ्रीज नहीं थे दरअसल, वो मकड़ी के जाल में कैद थे, लेकिन अब इनका यूज वगैरह कर सकते हैं। ओ भाई, लेकिन अभी हमें कट नहीं मिला, तो यार कुछ जगह पर यहाँ पर जाना इम्पॉसिबल टाइप का। एक बार कट वट मिल जाए फिर चलेंगे। ओके ऑलमोस्ट पहुंच गए, पहुंच गए, मुझे यहीं जाना था। ओके ये रहा वो रास्ता जहां पर मुझे जाना था। वंस इन्वेस्टिगेशंस विल बी डन यू पास, बट अंटिल देन दिस एरिया इज ऑफ लिमिट्स। तो हम यहां से नहीं जा सकते। दिस लुक लाइक सम रेयर पोकेमोन फुटप्रिंट्स, बट आई सी सुपर रेयर। ओ भाई, वी डूइंग रिसर्च विदाउट एस्टर नोइंग, बट आई गारंटी ही बी प्राउड ऑफ अस। ओके, बिना एस्टर की परमिशन से ये लोग कुछ रिसर्च वगैरह कर रहे हैं। और भाई ना गाइस, मुझे लग रहा है कोई सीक्रेट पोकेमोन है, क्योंकि यार यहाँ पर ना एक केव है तुम्हें दिख रही होगी नीचे, अगर तुम यहाँ से नीचे देखो। फिलहाल तो मैं वहाँ पर नहीं जा सकता बिकॉज रास्ता ब्लॉक है, बट वहाँ पर ना भाई कोई सीक्रेट पोकेमोन है, मुझे 100% यकीन है यार। बहुत ही जल्दी गाइस हम पता करेंगे कि कौन सा पोकेमोन है वो, लेकिन अभी करेंटली तो ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं यार जो आगे खुलने वाली हैं। अभी तो मज़ा आ गया यार वो डरावनी मकड़ी को देखने में। यहाँ पर कुछ और ट्रेनर्स हैं, तो गाइस इनसे यार मैं बैटल कर सकता हूँ, जिससे यार मेरे पोकेमोन्स का लेवल बढ़ जाएगा। तो बैटल करते हैं इनसे, क्योंकि यार अगर नॉर्मली तुम किसी वाइल्ड पोकेमोन से ट्रेनिंग करते हो ना, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि उनके वो पोकेमोन उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते यार भाई। और ये वाले पोकेमोन सच में स्ट्रांग होते हैं, वाइल्ड किसी ट्रेनर के पोकेमोन्स तो तुम्हें ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। और मुझे ना अभी अपने दूसरे पोकेमोन को भी इवॉल्व करना है, एलिकेट को। ओके एलिकेट नहीं यार, उसका नाम क्या था? ओके एलिकेट नाम है यार इसका, एलिकेट को इवॉल्व करना है मुझे। एक तो पहले हमें इसे लेवल बढ़ाकर इवॉल्व करना होगा, उसके बाद में ना भाई यहाँ पर एक बार जब इसका लेवल बढ़ जाएगा ये अपने आप इवॉल्व हो जाएगा, फिर हमें इसे जेनोलिथ नाम का एक स्टोन है वो होल्ड करवाना होगा, उसका यूज़ करेंगे दरअसल, होल्ड नहीं तो उससे ही अपने ही आप इवॉल्व हो जाएगा। वो एक कमाल की चीज़ है यार। बहुत सारे गाइस इसमें ऐसे इवोल्यूशन हैं जिनके बारे में तुम्हें नहीं पता होगा, और यार मैंने तुम्हें बताया नहीं शायद, मुझे याद नहीं था। जो दरअसल गाइस हमारे पास में एक एग था, तुम्हें याद होगा, तो एक एग था जो हमें मिला था, वो दरअसल हैच हो चुका है, और उसके अंदर से भाई एक पोकेमोन बाहर आया था, जो कि मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ पोकेमोन सेंटर में जाके नेक्स्ट टाइम, मतलब इसी वाली वीडियो में दिखाऊंगा। पहले चलते हैं फिगी बैरी। ओके यहां से एक रास्ता है, तो ये रहा रास्ता, और यहां पर कुछ है भी। रॉक स्मैश से तोड़ते हैं। TM-62 एरोबेटिक्स। ओके कूल। सो गाइस यहां पर रास्ता है निकलने का, मुझे एक ट्रेनर से बैटल नहीं करनी यार, निकल सकते हैं। रुक जाओ यहां पर शायद कुछ है। ओके शायद कुछ कुछ भी नहीं है, मुझे लगा भाई कुछ तो होगा, कुछ भी नहीं था। चलो यहाँ पर चलते हैं। ओके गाइस तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं मिल्की वे सिटी में, एक नया शहर। ओ भाई क्या है यहाँ पर? एक मोमो मिल्क वाली गाय, एक पिंक गाय। नो कैंसल। देखते हैं यहाँ पर किस टाइप के पोकेमोन है। फ्लैपी, ये तो नॉर्मल पोकेमोन है भाई, यहाँ पर तो नॉर्मली फ्लैपी वैपी होते हैं। एक और पोकेमोन, कोई नया पोकेमोन दिखना चाहिए। ओ म्याउथ। ओ भाई ये कैसा म्याउथ है, सुकड़ा म्याउथ। ओ भाई गाइस तुम्हें याद है किड वर्सेस कैट? अगर तुम्हें याद होता हो तो उसका कैट भी जो था ना, वो भी सेम ऐसा ही दिखता था, सुकड़ा कैट सूखा हुआ जैसे 2 दिन से खान नहीं मिला। ओ भाई ये कौन है? ये तो नाइट जैसा लग रहा है। ओके ओलिवर कम टू ऑन, दिस इज द मिल्की वे सिटीज किंगडम।
ओह माय गॉड भैया, ये किंगडम है, राज्य है एक तरीके से। ओह माय गॉड गाइस, हम एक किंगडम में आ गए हैं। और ओ मेडिवल पीरियड, लाइक लुक्स लाइक मेडिवल पीरियड। ओ भैया पूरे के पूरे घर को देखो यहाँ पर, ये क्या है? द किंगडम ऑफ एंशियंट ग्लोरी। ओ भाई ये पूरे पुराने रीति रिवाज वाले। मैं तो यार बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ के कासल को देखने के लिए अब तो ज्यादा। और कौन सी मिस्ट्री होगी यहाँ के कासल में? आई डोंट नो। द सिटी इज सो ओल्ड फैशन दैट आई कैन शूट एट एनी थिंग दैट आई कैन रिसीव लॉट्स ऑफ लाइक्स। ऐसे लग रहा है ऐसे लाइक नहीं मिलेंगे, इतनी अच्छी सिटी है यार, खूबसूरत टाइप की। ऑक्टो रेसिटो, ये क्या मिला हमें भाई? कूल सिटी है यार, मुझे तो पसंद आई गाइस। तुम लोग बताओ तुम्हें ये सिटी कैसी लगी? मुझे तो भाई बहुत अच्छी लगी। मुझे ना गाइस पूरा एक्सप्लोर करना है ये शहर। ये कौन है? कैन टॉक टू यू, ओके बट आई डोंट वॉन्ट टॉक टू यू। आई होप डैडा विल कम बैक सून, मे बी विद अ पॉकेट ऑल फॉर मी। ओके डैडा कौन है? डैडा प्रॉमिस टू गेट मी फॉर द सिक्योरिटी फ्रॉम, मेरे पास में एक सिक्योरिटी है। माई हस्बैंड लेफ्ट लुकिंग फॉर एडवेंचर, ही डजेंट रियलाइज द रियल स्ट्रगल इज राइजिंग 3 children। ऑफकोर्स ऑफकोर्स, गो अवे यू डैम स्पार्काउल। ओ स्पार्काउल तो मैं यहां पर देख रहा हूँ, वो ऊपर चढ़ा इसके छत पर। प्रिंसेस वेनिला हैज द मोस्ट ब्यूटिफुल टॉयज, आई वॉन्ट अ प्ले विद हर सो बैड। ओ प्रिंसेस का नाम प्रिंसेस वेनिला है यहाँ की। ओनली द एक्सकैलिबाउंड डिजर्विंग टू रिस्टेन द किंग्स रॉक ऑन इट्स हेड शॉल इवॉल्व। अच्छा एक पोकेमोन है जो कि किंग्स रॉक से इवॉल्व होगा। भैया मस्त शहर है यार, मजा आ गया इस वाले शहर में, मुझे अच्छा लग रहा है यार देखने में, तो बढ़िया कूल सा है। यू हैव एक्सेप्ट, ओके मोमो मिल्क। यहाँ पे अंदर चल के देखते हैं भाई, अगर यहाँ पर ना कोई, ओ ये एक पोकेमोन सेंटर है, कूल भाई। यहाँ पर ना अगर कुछ अच्छा सा मुझे मिल गया ना तो मजा आ जाएगा, एकदम झमाके वाला पोकेमोन। यू आर द फर्स्ट पर्सन हु हैज विजिटेड मी फॉर कौन सा मूव? लावा कुकी। काफी टाइम बाद इससे कोई मिलने आया यहाँ पर, इसलिए इसने हमें लावा कुकी दे दी। यहाँ पर देखते हैं भाई, ओ ये पूरे रास्ते बंद हैं, ये कौन है? वन डे द प्रिंसेस विल समन मी एट द पैलेस एज अ पर्सनल म्यूजिशियन, आई एम श्योर। आई होप, एयर बलून दिया इसने। ये है क्या एयर बलून? रुक जाओ इससे पूछते हैं। यू बीन ब्लेस टूली, ठीक है। ओ जोकर, आई वॉन्टेड टू टीच दिस टीएम टू माई हिक्लो बट इट लुक्स लाइक इट कैंट लर्न, यू शुड टेक इट। TM49, ये TM49 था क्या? हिकलो, हिकलो सच में एक क्यूट पोकीमोन है। नगेट, ओके नगेट मिला हमें एक। यहाँ पर इनसे बात करते हैं। वेन आई वॉज यंग देयर वाजंट एज मैनी नोन पोकीमोन एज वी नो टूडे, टाइम इवॉल्व्स टू माई चाइल्ड। सही कहा, राइट, आई थिंक राइट है। आई हेयर दिस कासल्स वाटर इज सो इन्फेस्टेड बाय हंचन, आई कैन मैनेज टू रील एनीथिंग। ओके ये है क्या भाई? ऐसा लग रहा है ना कोई इंपॉर्टेंट सा पोकीमोन है यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा चिंता है क्विक बॉल कि यहाँ पर पता नहीं कौन से पोकीमोनों का प्रिंसेस हमें मिलेंगी भी है, नहीं कौन सी प्रिंसेस है और इन प्रिंसेस की स्टोरी क्या है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग यही चीज है इस गेम में यार, मुझे यही सब अच्छा लगा कि नई नई स्टोरीज हैं तो मैं कुछ नया खेलने को मिलता है। पर प्रिंसेस का कासल है कहाँ? ओ भाई ये रहा कासल, ये रहे गेट अंदर जाने के लिए। पर गाइस मैं फिलहाल नहीं जाने वाला हूँ, पहले यहाँ पर चलते हैं, वहाँ से आई थिंक ना मिशन स्टार्ट हो जाएगा कोई नई स्टोरी। द ग्रेविटी टनल इज अ ट्रू पैराडाइज फॉर फॉसल्स, ओके। बिफोर लीविंग द किंगडम यू शुड विजिट द प्रिंसेस एंड पे योर रिस्पेक्ट, ओके बिल्कुल। हमें पहले प्रिंसेस से मिलना होगा यहाँ से बाहर जाने से पहले, उसने यही बात कही है। आई बी टीचिंग माई वेरी स्पेशल मूव ओनली दस होल्डिंग द शुगर बैज। ओ ओनली अ फ्यू पोकेमोन कैन लर्न फेरी प्लेज, ईवी इज वन ऑफ देम। वाओ
सो गाइस इस वाले कासल में यार बहुत ज्यादा ही मजा आने वाला है, और यहाँ से ना हमें आगे जाने का मौका मिलेगा एक, यहाँ से हम प्रिंसेस से मिलने जाने वाले हैं। एनीवेज गाइस आज के लिए इतना काफी, और भाई प्लीज इस वाली वीडियो में लाइक कर देना। पर गाइस मैं तुम्हें यार जाने से पहले, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था, तो मैं तुम्हें कुछ दिखा देता हूँ कि उस वाले एग से कौन सा पोकेमॉन बाहर आएगा। दरअसल गाइस उस वाले एग से हमारा ईवी बाहर आया है। मुझे गाइस ये वाला ईवी अपने एग से मिला है, और ये वाला ईवी मुझे कोड से मिला था, दरअसल मिस्ट्री कोड से। और ये वाला दो ईवी है मेरे पास में, और तुम्हें ना पता हो तो इस वाले गेम में 2 या 3 ईवी के नए इवोल्यूशंस हैं जो कि मुझे मिलने वाले हैं। एनीवेज गाइस आज के लिए ना काफी है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे इस इंटरेस्टिंग स्टोरी में होने के वाला है आगे, प्रिंसेस कौन है यहाँ की और आखिर उनकी मिस्ट्री क्या है। सच में सब कुछ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुम सोच भी नहीं सकते ना इस वाले गेम में इतनी कमाल की चीजें हैं। तो भाई इसलिए वीडियो को लाइक करो, अगर तुम लोग चाहते हो यार मैं जल्दी से इस गेम प्ले को और जल्दी डालूं तो प्लीज लाइक करो, और जो भी नया है तो जाके सब्सक्राइब करो और भी ऐसे गेम प्लेस के लिए। तो भाई मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, एपिसोड मिस मत करना।